हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में। हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक, अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी ज्योमेट्री पूछी जाती है। ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना होता है और वो स्ट्रक्चर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए ये है आपका बीएससी सेकेंड ईयर। अब बीएससी सेकेंड ईयर ये आज इसका है लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसमें जिस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पढ़ना है वो है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। किसकी ज्योमेट्री पढ़ना है? टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। फार्मूला है इसका CuNH3 होल टाइम 4 2 प्लस। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें ये बताना है कि ये CuNH3 होल टाइम 4 2 प्लस जो ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और आपको ये बताना है कि ये कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, और दूसरी चीज ये बताना है आपको ये कंपाउंड कलर होगा कि कलर लेस होगा। ठीक, इतना आपको बताना है। तो टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड, तो टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड में आप देखिए ये आपका कंपाउंड है CuNH3 होल टाइम 4 2 प्लस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए CuNH3 है। अब यहाँ जो आपका कॉपर है, ये कॉपर आपका सेंट्रल एटम है, CMI सेंट्रल मेटल आयन। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल आयन। और जो आपका ये है ये देखिए Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस जो है ये CMI है, सेंट्रल मेटल आयन है। और NH3 जो है आपका ये अमोनिया, ये बोला जाता है लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इसको? लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स। तो द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड एज लुविस एसिड। ठीक है ना, कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहाँ देखिए जो आपका ये सेंट्रल मेटल आयन है CMI, तो सेंट्रल मेटल आयन किसे कहते हैं? जो आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जो आयन्स इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसको कहा जाता है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है ना, तो दोज आयन्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन, शॉर्ट में इसको CMI बोलते हैं। ठीक है, ऑल द सेंट्रल मेटल आयन आर नोन एज लुविस एसिड। ठीक है ना, जितने सेंट्रल मेटल आयन होते हैं सभी सेंट्रल मेटल आयन को कहा जाता है लुविस एसिड। ठीक,
आपको पता है कि दो सब्सटेंस ईच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जिस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उसको कहा जाता है लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। ऑल द लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस। और सभी लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। तो जब कंपाउंड लुईस एसिड और लुईस बेस के मध्य बनता है तो उस कंपाउंड को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। या कंपाउंड सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच बनता है तब उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड। तो ये टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड में कॉपर आपका सेंट्रल मेटल आयन है अर्थात लुईस एसिड है, अमोनिया जो है आपका लिगेंड्स है अर्थात लुईस बेस है। तो जो कोऑर्डिनेशन हुआ है वो कॉपर और अमोनिया के बीच हुआ है इसलिए इस कंपाउंड को कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसको आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। ठीक है ना? क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए मान लिया कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ज्ञात नहीं है तो मान लिया जाए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? एक्स है। प्लस यहाँ पर देखिए अमोनिया कितने लिगेंड्स हैं? अमोनिया के चार लिगेंड्स हैं। ये हो गया फोर इंटू जो एनएच थ्री का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनएच थ्री इक्वल टू जीरो होता है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। ये हो गया चार गुणे जीरो इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर टू प्लस है इक्वल टू हो गया ये प्लस टू। अब यक्स प्लस चार में जीरो का गुणा होगा जीरो इक्वल टू प्लस टू। तो यक्स इक्वल टू आ गया प्लस टू। यानी जो आपका यहाँ पर कॉपर है ये कॉपर टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉपर का और फिर कॉपर किस स्टेट में है? सी यू टू प्लस के। तो अब देखिए इसको हम मिटाते हैं। अब इसमें आप लिखेंगे कैसे? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर सीयू इन कॉपर सीयू इन डिफरेंट स्टेट इन डिफरेंट स्टेट आर गिवन एज डिफरेंट स्टेट आर गिवन एज बिलो। अब डिफरेंट स्टेट में आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। ठीक? डिफरेंट स्टेट का मतलब कि ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। तो आपको पता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। ठीक? तो कॉपर का कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3b10 4s2। ठीक है ना? ये कॉपर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अभी आपने देखा था ये प्लस टू स्टेट में। ठीक है? तो अब देखिए कॉपर का ये है Cu2+। तो अब Cu2+ का मतलब क्या हुआ कि जब कॉपर के आउटर से 4s से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कॉपर के ऊपर जो होगा ये Cu+ एक चार्ज होगा। अब फिर जब इसके दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकलेगा?
3d से 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, इसके बाद 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना 3d9, और ये हो गया 4s0 और आपको पता है 4p0 और आगे 4d0 ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप देखिए कि आपको मालूम है कि फर्स्ट सेल में केवल एक ही सबसेल होता है 1s, सेकेंड सेल में दो सबसेल होता है 2s और 2p, थर्ड सेल में तीन सबसेल होता है 3s 3p और 3d, और चौथे सेल में चार सबसेल होता है 4s 4p 4d और 4e, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर का ये डी सबसेल है, इस डी सबसेल में कुल 5 ऑर्बिटल है, डी सबसेल में कुल 5 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब देखिए डी सबसेल में इसके कुल 5 ऑर्बिटल है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखिए ये 4s ऑर्बिटल है और ये 4p है, 4p, ये 4p हो गया, ये 4s हो गया और ये 3d हो गया, ठीक। अब यहाँ डी सबसेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल होती है और अबव प्रिंसिपल, तो यहाँ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें जो आपका ये कॉपर 2+ है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी इस Cu2+ के पास 4s ऑर्बिटल इम्पटी है और 4p ऑर्बिटल इम्पटी है, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ CuNH3 होल टाइम 4 है, तो Cu से कितने लीगेंड्स जुड़ेंगे, 4 लीगेंड्स जुड़ेंगे, 4 अमोनिया लीगेंड्स जुड़ेगा। जब 4 अमोनिया लीगेंड्स जुड़ेगा तो जो आपका ये कॉपर है जो कि सेंट्रल मेटल आयन है, इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब कि जिसकी एनर्जी और स्ट्रक्चर क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इन CuNH3 होल टाइम 4 और ये है 2+, इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि ये देखिए 3d का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड है, जब अमोनिया लिगेंड्स के अप्रोच में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रमोट करके 3d ऑर्बिटल से चला जाएगा कहाँ पर, 4p में, कहाँ चला जाएगा, 4p में। जब 4p में जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर ये 4d ऑर्बिटल है ए, और ये 4s है और ये 4p ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये 4p हो गया, ये 4s हो गया और ये 4d हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन ए वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 4p में आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके यहाँ आ गया, ये देखो इस गलत से, ठीक है ना। ये प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये 4s से प्रमोट करके कहाँ चला गया, 4p में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि अमोनिया आपका स्ट्रांग लिगेंड्स है, जब अमोनिया के अप्रोच में ये आएगा तो ये यहाँ से ये ऑर्बिटल इम्पटी कर देगा और चला जाएगा 4d से 4p में, ठीक है। तो क्यों चला गया, क्योंकि अमोनिया स्ट्रांग लिगेंड्स है, अगर यही वीक लिगेंड्स होता ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं हटता, ठीक है। अगर अमोनिया वीक लिगेंड्स होता, कमजोर लिगेंड्स होता, तब यहाँ से अमोनिया आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ नहीं जा पाता, तब यही रहता,
लेकिन अमोनिया स्ट्रांग है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक, अब देखो चार इनपुटी ऑर्बिटल हो गए किसके पास, कॉपर के पास, एक दो तीन चार। अब ये चारों इनपुटी ऑर्बिटल जो है, क्योंकि आपका जो एक अमोनिया है NH3, सभी अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अमोनिया के पास। ठीक, अब यही जो यहाँ पर चार अमोनिया लिगेंड्स हैं, तो पहला अमोनिया लिगेंड्स अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके 4p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो डोनेट कर दिया तो यहाँ पर देखिए एक NH3 जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, NH3। फिर इसके बाद देखिए चार है तो तीसरा भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, यहाँ पर जुड़ गया है NH3। फिर इसी तरह से तीसरा अमोनिया, देखो चार अमोनिया है तो तीसरा अमोनिया भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, ये हो गया NH3। फिर चौथा भी दे दिया, ये हो गया NH3। अब यहाँ पर देखिए ये चारों अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है अपना एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर दे रहे हैं इसके इनपुटी ऑर्बिटल में, डोनेट कर दिए कि ये इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक, अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर CuNH3 होल टाइम 4 2+ में आप देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें डीडी ट्रांजिशन होगा, क्या होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा। ठीक, और डीडी ट्रांजिशन होने के कारण इसमें जो है एक कलर होगा। देखो अब यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर डीडी ट्रांजिशन होगा। ठीक, और डीडी ट्रांजिशन होने के कारण ये कंपाउंड कैसा होगा, कलर होगा, कलर होगा। ठीक, अब इसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, इसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से CuNH3 होल टाइम 4 2+ जो है ये पैरा मैग्नेटिक होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाई टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक, तो आप जवाब देंगे कि टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होता है जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, व्हाई टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आर कलर्ड, क्यों कलर्ड होता है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन। देखो यहाँ है ना, ये डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें डीडी ट्रांजिशन होता है और डीडी ट्रांजिशन होने के कारण ये क्या होता है, कलर्ड होता है। ठीक है ना, अच्छा दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल भाग लिया है बॉन्ड बनाने में। एक ऑर्बिटल किसका है, ये एक एस ऑर्बिटल है और दो ऑर्बिटल किसके हैं, ये देखिए पी 4p के, ये हो गया p2। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है और DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, ड्यू टू द DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी ज्यामितीय आकृति जो होगी, जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DSP2 होता है। ठीक है, तो अब आपका देखिए ये तो रहा हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हाइब्रिडाइजेशन है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, DSP2। DSP2 कैसे है, देखिए एक डी ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है और दो पी ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हुआ DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसमें फिर आप ध्यान दीजिए इसमें हाइब्रिड
बॉन्ड फॉर्मेशन में इनर सेल का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ है बॉन्ड बनाने, इसलिए जब इनर सेल के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में तो उसको कहा जाता है इनर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर कॉम्प्लेक्स। जब आउटर सेल का ये डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड बनाने में तब उसको कहते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद इसको मिटाते हैं। फिर देखिए नोट करिए, नोट्स लिखते चलिए। अब नोट्स में क्या लिखेंगे कि देखिए इन ट्रांजिशन इन टेट्रा एलिन कॉपर सेकेंड इन टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड लिखेंगे क्या, इन टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड one electron get promoted from 3D orbital to 4P orbital, 3D orbital to 4P orbital, leaving behind an empty d orbital। तो आपको पता है कि जो 3d9 इलेक्ट्रॉन है उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 3d से चला जाता है 4p में, तो एक 3d ऑर्बिटल जो होता है वो इम्पटी हो जाता है, खाली हो जाता है। इसके बाद देखिए इन दिस कॉम्प्लेक्स Cu2+ ion is in DSP2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? DSP2 hybridized state all these hybrid orbitals are empty, all these hybrid orbitals are empty and for 4 coordinate bond and form 4 coordinate bond
with four ammonia molecules. With four ammonia molecule. With four ammonia molecules. Due to DSP2 hybridization, due to sp2 hybridization, the geometry of tetraimine copper sequence, tetraamine copper second is square planar, geometry कैसी होगी? Square planar. DSP2 hybridization के कारण इसकी geometry कैसी होगी? Square planar. Since there is an unpaired electron in the complex, therefore the complex is paramagnetic. Therefore, the complex is paramagnetic. ठीक है ना? इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो 3D से कहा गया है 4P में, उसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण एक कंपाउंड कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है. ठीक है ना? पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड. ठीक है ना? तो ये कंपाउंड आपका कलर्ड होगा ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, पैरामैग्नेटिक होगा कहें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण. ठीक है ना? अब इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे आप बनाएंगे? अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखिए, अब इसमें आपका ये है CuNaH3, अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये दूसरा अमोनिया है NH3 और ये तीसरा अमोनिया है NH3 और ये चौथा अमोनिया है आपका NH3. ये चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है ना? तो ये आपका हो गया, यहाँ पर इसके ऊपर होगा 2 पॉजिटिव चार्ज. ठीक, ये ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. यहाँ लिख सकते हैं हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ CuNH3 होल टाइम 4 2+. ठीक है ना? ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है. थैंक यू. अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स.